बिहार को नशा मुक्त बनाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नशा मुक्त बिहार, स्वस्थ बिहार और बढ़ता बिहार कार्यक्रम के तहत कई योजनाएं चलाई है, जिससे बिहार के युवा और नशे की चपेट में आने वाले हर आयु वर्ग के लोग इससे अपना बचाव कर सके। वहीं इसको लेकर गुरुवार को भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से नशा मुक्त बिहार जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। शहर के सैंडिस कंपाउंड से निकाली गई बालक बालिका जागरूकता दौड़ की शुरुआत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, SSP आनंद कुमार और DDC कुमार अनुराग ने हरी झंडी दिखाकर की, जबकि इससे पूर्व जिलाधिकारी समेत कई पदाधिकारियों ने तिरंगे के रंग का गुब्बारा उड़ाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। जागरूकता दौड़ कार्यक्रम में अंडर 16 बालक बालिका वर्ग के अलावा 16 वर्ग से अधिक के युवक युवतियों ने हिस्सा लिया और जागरूकता दौड़ के माध्यम से लोगों को नशा मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया। वहीं सैंडिस कंपाउंड से शुरू हुई नशा मुक्ति जागरूकता दौड़ पुलिस लाइन, कचहरी चौक, घंटाघर, आकाशवाणी, आदमपुर चौक, रानी लक्ष्मीबाई चौक और तिलका मांझी चौक होते हुए पुनः सैंडिस कंपाउंड आकर संपन्न हुई। इधर बालिका और महिला वर्ग के प्रतिभागियों की जागरूकता दौड़ सैंडिस कंपाउंड से शुरू होकर कचहरी चौक, व्यवहार न्यायालय और तिलका मांझी चौक होते हुए सैंडिस कंपाउंड पहुँचकर संपन्न हुई। इस दौरान काफ़ी संख्या में बालक बालिका के साथ युवक युवतियों ने दौड़ में हिस्सा लिया। वहीं इस जागरूकता दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को DM, SSP, DDC, CTSP समेत कई पदाधिकारियों ने मेडल, प्रमाण पत्र और नगद राशि देकर, वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी से हर तरह की नशा से दूर रहने और किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करने की अपील की। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी को हर तरह के नशा से दूर रहने और किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करने की अपील की। साथ ही DM ने कहा कि बिहार और भागलपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए आयोजित किया गया यह आयोजन विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए सकारात्मक पहल है। जिलाधिकारी ने कहा कि नशा जीवन को बर्बाद कर देता है, इसीलिए इससे दूर रहकर अपने लक्ष्य को ईमानदारी पूर्वक पूरा करना चाहिए। इधर नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कलाकारों ने नशा के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। मौके पर ADM महफूज आलम, जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार, CTSP अमित रंजन, ट्रेनी IAS समेत कई पदाधिकारी, सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्रा, युवक युवती और पुलिस के जवान एवं शहरवासी मौजूद रहे। देखिए, दूसरा वर्ष है। पिछले साल भी हम लोगों ने मैराथन जो है वो आयोजित किया था अंडर 16 और एबव 16 लड़के लड़कियों का विभिन्न वर्गों में, और अच्छी जो है पुरस्कार की राशि भी है। प्रथम प्राइज 5,000 है, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना भी जो है वो 7 जो प्रतिभागी हैं उनको मिलेगा। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने विभिन्न संस्थानों से बात करके, जैसे NTPC, SBI एवं अन्य कई संस्थानों से बात करके बच्चों को टी शर्ट भी उपलब्ध कराया है, उनके लिए स्नैक्स की भी व्यवस्था है। तो काफ़ी उत्साह है बच्चों में और बढ़िया जो है माहौल है, अच्छे से आयोजन हो रहा है। और जो भी बच्चे पुरस्कृत होंगे उनको आज ही राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। और सभी लोगों से इस अभियान के माध्यम से अपील भी है कि किसी भी तरह का नशा, चाहे वो शराब हो या किसी अन्य प्रकार का नशा हो, उसको बिल्कुल अवॉइड करें। और ख़ास करके युवाओं से, ये आपके जीवन को बर्बाद कर देता है, आपके परिवार को बर्बाद कर देता है। 26 तारीख को नशा मुक्ति दिवस भी है और इसी के लिए आज ये इस ज़िले में दौड़ का आयोजन किया गया है, बेसिकली युवाओं को जागरूक करने के लिए और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं इस सफल आयोजन के लिए पूरे जिला प्रशासन के जितने भी पदाधिकारी लगे हुए हैं सबको धन्यवाद देता हूँ, और जितने भी प्रतिभागी आए हैं सबको मैं शुभकामना देता हूँ। देवोत्थान एकादशी के अवसर पर गुरुवार को भागलपुर समेत देश भर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूरे नियम के साथ पूजा अर्चना और व्रत किया गया। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु श्रावण मास की हरि शयन एकादशी के दिन 4 माह की योग निंद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को नारायण अपनी योग निंद्रा से बाहर आकर पुनः संपूर्ण सृष्टि का कार्यभार संभाल लेते हैं, जबकि भगवान विष्णु को योग निंद्रा से जगाने के साथ ही इस दिन से विवाह समेत कई तरह के मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है। और इसे देवोत्थान,
प्रबोधनी या देव उठौनी एकादशी भी कही जाती है। भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं और इनके योग निद्रा से जागृत होने के बाद सभी तरह के मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जबकि इसी दिन भगवान विष्णु के रूप में शालिग्राम से तुलसी विवाह भी संपन्न करने की धार्मिक परंपरा है। मान्यता है कि सच्चे मन से देवोत्थान एकादशी के दिन व्रत पूजन करने से स्वर्ग या वैकुंठ की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी के साथ कई तरह की बाधाओं से भी छुटकारा मिलता है। वहीं इसको लेकर भागलपुर के बाजारों में भी पूजन सामग्री खरीदने के लिए पुरुष और महिलाओं की भीड़ जुटी रही। देव प्रबोधनी एकादशी में चावल से अल्पना बनाकर घरेलू उपयोग से जुड़े कई तरह के सामानों की आकृति को बनाने के साथ ईख खड़ा कर विष्णु स्वरूप ठाकुर जी का भंडारा भरा जाता है। इसके अलावा भी सुख समृद्धि और उन्नति के लिए देवोत्थान एकादशी के दिन पूजन से जुड़े कई तरह के कार्य किए जाते हैं। भागलपुर कचहरी चौक स्थित एक होटल में आयकर विभाग की ओर से गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधान आयकर आयुक्त निखिल चौधरी ने 24 से 26 नवंबर तक भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में आयोजित होने वाले आयकर हब कार्यक्रम को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान प्रधान आयकर आयुक्त ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुंगेर योग आश्रम के स्वामी शिव ध्यानतम सरस्वती, विशिष्ट अतिथि आयकर महानिर्देशक राहुल कर्ण समेत आयकर विभाग के कई आला अधिकारी और सम्मानित अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। वहीं प्रधान आयकर आयुक्त ने कहा कि देश में 7 जगहों पर आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम गोरखपुर और झांसी में संपन्न हो चुका है और भागलपुर तीसरी शहर है जहां शुक्रवार से इस करदाता मेला की शुरुआत होगी। इसको लेकर इनकम टैक्स जागरूकता को लेकर सेमिनार समेत कई कार्यक्रम की तैयारी की गई है, जिसका फायदा लेकर अधिक से अधिक संख्या में टैक्स पेयर, युवा, छात्र छात्रा और आम लोग इनकम टैक्स या इससे संबंधित बातों को समझकर भ्रांतियों से बच सकेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में टैक्स पेयर के अलावा बच्चे, महिलाओं और सभी वर्ग के मनोरंजन के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं, जबकि टैक्स से जुड़ी जानकारी भी लोगों को आयकर अधिकारी से मिल सकेंगी। प्रधान आयकर आयुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम में भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, TMBU के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल समेत आयकर विभाग के कई पदाधिकारी के अलावा भागलपुर के 23 स्कूल, कटिहार के 5, खगड़िया और पूर्णिया के 3-3 स्कूली बच्चों के अलावा बांका एवं नवगछिया के स्कूल के छात्र छात्रा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा भी कई कॉलेज के छात्र छात्रा इसमें शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयकर अधिकारी राघवेंद्र कुमार सिंह, कुमार रविशंकर, नितिन कुमार और संजीव कुमार समेत इनकम टैक्स विभाग के कई अधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे। जैसे कि हम लोग पिछले बार मुलाकात में आपको बताए थे, 24 से 26 नवंबर तक भागलपुर में टैक्स पेयर्स हेल्प सीबीडीटी द्वारा सेटअप किया जा रहा है। ये सैंडीज कंपाउंड में सेटअप हो रहा है और इसके साथ साइड बाय साइड एक सेमिनार्स का भी शेड्यूल सेटअप किया जा रहा है। भागलपुर के अलावा 7 शहरों में ये टैक्स पेयर हब सेटअप किया गया है। 2 शहरों में यानी कि गोरखपुर में और झांसी में ये ऑलरेडी हो चुका है। भागलपुर तीसरा शहर है जहाँ पर ये हो रहा है। ये कल सुबह 10 बजे से उसका उद्घाटन होगा। उसका उद्घाटन मुंगेर योग आश्रम के स्वामी श्री ध्यानंद सरस्वती जी करेंगे और उनके साथ सन्यासी शिव चिंतन जी और सन्यासी धर्म रक्षित जी भी उपस्थित होंगे। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री राहुल कर्ण, आयकर महानिदेशक अन्वेषण बिहार और झारखंड होंगे, जो कि मौजूद रहेंगे उद्घाटन समारोह के लिए। इसके अलावा कई आला अधिकारी आयकर विभाग के पटना से उपस्थित हो रहे हैं, जैसे कि श्रीमती रश्मिता झा आयकर आयुक्त TDS, श्री सत्येंद्र मोहन दास आयकर आयुक्त आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण, श्री प्रदीप कुमार मजुमदार आयकर आयुक्त छूट, श्री राहुल धवन आयकर आयुक्त प्रशासन एवं करदाता सेवाएं और श्री रंजन कुमार धान आयकर आयुक्त जांच
बिहार एवं झारखंड। अतिरिक्त महानिदेशक CBDT भी आ रहे हैं इस टैक्स पेयर्स हब में भाग लेने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले सूचना दे रखा है, ये इसमें 3 कियोस्क होंगे। एक इंफॉर्मेशन कियोस्क होगा जहां पर कि टैक्स पेयर्स अपने जानकारी बढ़ाने के लिए और कुछ भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए जा सकते हैं। एक एजुकेशनल कियोस्क होगा जहां पर कि प्रमोशनल लिटरेचर अवेलेबल होगा उनके लिए, और एक ग्रीवेंस कियोस्क होगा जहां पर कि लोग अपने ग्रीवेंसेस को रजिस्टर कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल्स को रीच आउट किया है और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है भागलपुर के स्कूल से। करीब भागलपुर के 23 स्कूल्स ने कन्फर्म किया है कि वो अपने बच्चों को भेजेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कटहरा गांव के मनचले युवक द्वारा एक युवती के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवकों ने छेड़खानी करते हुए हथियार के बट से उसका सिर फोड़कर युवती को घायल कर दिया। इस मामले को लेकर युवती के भाई दयानंद सिंह ने बताया कि उसकी बहन सूखी लकड़ी लाने के लिए अपने आम के बगीचे में गई थी, तभी गांव के कुछ मनचले युवक रंजीत कुमार सिंह और अशोक सिंह ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी करते हुए हथियार के बट से युवती का सर फोड़ दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में युवती को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज में भर्ती कराया गया है। इधर घटना को लेकर सुल्तानगंज थाना में लिखित आवेदन देने के बावजूद पुलिस द्वारा दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित पक्षों के द्वारा भागलपुर SSP आनंद कुमार को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है, जबकि SSP के निर्देश पर पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जरूरी कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। भागलपुर के सुल्तानगंज ध्वजा गली स्थित जादुका परिवार की ओर से प्रत्येक मास की एकादशी तिथि को बाजा गाजा के साथ पैदल विशाल श्याम निशान यात्रा निकाली जाती है, जो निशान यात्रा भागलपुर के प्राचीन खाटू श्याम मंदिर पहुंचती है, जहां खाटू श्याम के दरबार में निशान चढ़ाकर पूजा अर्चना की जाती है। वहीं गुरुवार को देवोत्थान एकादशी के दिन भी निशान यात्रा निकाली गई। इसको लेकर मनोज जादुका ने बताया कि एकादशी के दिन सुल्तानगंज के ध्वजा गली से निशान यात्रा निकालकर भागलपुर खाटू श्याम मंदिर पहुंचते हैं, जहां श्याम बाबा को निशान चढ़ाते हुए देश में सुख शांति की कामना खाटू श्याम से करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज बाबा श्याम का जन्मदिन है और सभी जादुका परिवार और बाबा के भक्त केक काटकर धूमधाम से बाबा श्याम का जन्मदिन मनाते हैं। निशान यात्रा में शिवम, मानवी, अमित, मोहित सहित काफी संख्या में खाटू श्याम के भक्त शामिल हुए। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र कटहरा पंचायत वार्ड संख्या 5 में जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर सगे भाइयों के बीच जमकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। इसको लेकर जमीन मालिक महेश दास की पत्नी मीरा देवी ने बताया कि उसके पति महेश दास के नाम से खरीदी हुई जमीन को लेकर उसका देवर पप्पू दास, देवरानी पुतुल दास और उसके सहयोगियों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर मारपीट की गई, जबकि उनके देवर और सहयोगियों ने उन सभी को जान से मारने की धमकी देकर घर से बेघर कर दिया। साथ ही कहा कि इस मामले की शिकायत उन लोगों ने सुल्तानगंज थाना में लिखित आवेदन देकर की है। वहीं जमीन से जुड़े इस आपसी विवाद को लेकर सुल्तानगंज पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।